दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि अगर आपके डीडी फीडीज के सेटअप बॉक्स में ये टाइम 9:12 चैनल ऐड नहीं हो पा रहा है किसी कारण से, तो इस चैनल को किस तरीके से ऐड करना है इसका सिंपल और सही तरीका इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ, जिससे दोस्तों आप इस चैनल को अपने सेटअप बॉक्स में बड़े आसानी से ऐड कर पाओगे। तो यहाँ पर इस चैनल को ऐड करने के लिए सबसे पहले हमें रिमोट का मेन्यू बटन प्रेस करना होगा, उसके बाद हमें सिंपली प्रोग्राम सेटअप में जाना होगा और उसके बाद ऐड न्यू प्रोग्राम में जाना होगा और उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का सेटअप खुल के आता है। तो यहाँ पर कुछ फ्रीक्वेंसी सेटिंग्स आपको करनी होगी और उसके बाद में सिंपली रिमोट का ओके बटन दबा देना होगा, तो ये चैनल आपके सेटअप बॉक्स में ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे ऊपर LNB फ्रीक्वेंसी आपको 09750 यहाँ पर रखना है, उसके बाद में ट्रांस फ्रीक्वेंसी 11509 आपको यहाँ पर कर देना है, उसके बाद में सिंपल रेट 29500 कर देना है, पोलरिटी वर्टिकल कर देना है, बाइस्केट सिक्योरिटी ऑफ कर देना है और मोड यहाँ पर कर देना है आपको फ्री। और उसके बाद में सिंपली नीचे सिग्नल क्वालिटी आपको देखना है, यहाँ पर सिग्नल क्वालिटी आपको 50-60% के आसपास मिलना चाहिए, अगर नहीं मिल रहा है या फिर कम मिल रहा है तो डिस्क को थोड़ा सा अलाइनमेंट कीजिए और यहाँ पर सबसे पहले आप सिग्नल क्वालिटी लेकर के आइए, उसके बाद सिंपली रिमोट का ओके बटन दबा दीजिए तो ये चैनल आपके सेटअप बॉक्स में यहाँ पर ऐड हो जाएगा। चलिए मैं यहाँ पर मेरे रिमोट का ओके बटन दबा देता हूँ, तो देख सकते हैं यहाँ पर जैसे मैंने रिमोट का ओके बटन दबाया है ये चैनल हमारा यहाँ पर ऐड हो चुका है, फ्रीक्वेंसी के सारे चैनल हमारे यहाँ पर ऐड हो चुके हैं। चलिए मैं आपको बैक चलता हूँ, बताता हूँ कि चैनल हमारा कहाँ पर ऐड हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऊपर आप देख सकते हैं 400 नंबर पे ये टाइम 9:12 ये चैनल हमारा यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो इस तरीके से दोस्तों अगर आपके सेटअप बॉक्स में किसी कारणवश ये चैनल ऐड नहीं हो पा रहा है, तो जो मैंने तरीका बताया है उसके द्वारा आप आसानी से इस चैनल को अपने सेटअप बॉक्स के अंदर ऐड कर पाओगे। तो आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोज़ हमारे आपको आगे मिलते रहें।